वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे यूनाइटेड नेशंस से, जहां पर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर तीखा विवाद हो रहा है। उन्होंने तमाम सीमाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया है। निजी हमलों में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ कहा है, वो सारी बात आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन जो बिलावल भुट्टो हैं आखिर किस बात से बौखलाए हुए थे, वो समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है। किस बात पर उन्होंने जवाब देते हुए भारत के प्रधानमंत्री पर गुजरात से जोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है, और ये बयान जो है काफ़ी इसकी आलोचना हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। कश्मीर के मुद्दा उठाने पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने बिलावल भुट्टो को पर तीखा पलटवार किया था। इस पलटवार में जयशंकर ने जो कहा था उसी पर बिलावल भुट्टो का जवाब आया। बिलावल भुट्टो का जवाब क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जयशंकर ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। जयशंकर ने कहा था बिलावल भुट्टो से कि जिस देश में अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी जाती हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर बिलावल भुट्टो जब बोल रहे थे उसी पर एस जयशंकर ने ये फटकार लगाते हुए कहा था। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों पर की गई प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। वो चुनौती महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद या कोई संघर्ष हो सकती है, और ऐसे खतरों को आम चुनौतियों की तरह नहीं स्वीकार किया जा सकता। यानी कि आतंकवाद का जो नाम लिया उससे बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि तमाम सीमाएं लांघते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला है। अब बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा क्या है। बिलावल भुट्टो ने गुजरात मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन भारत जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा पूरी बात आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा बयान क्या है। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है वो ये है कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात के मामले का जिक्र किया उन्होंने, वो अभी भी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। आगे बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं यानी कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि दोनों भारत के नहीं आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो ने कि भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास करने के बजाय उनके कातिल के सिद्धांतों पर विश्वास करती है। इसके अलावा ये भी आगे कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों के लिए भारत जिम्मेदार है, उन भारत को जिम्मेदार ठहराया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो बाहरी तत्व हैं बलूचिस्तान में वो पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। यानी कि बलूचिस्तान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके लिए बाहरी तत्व का नाम लेते हुए उन्होंने भारत सरकार पर हमला बोला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है कि ये दोनों जो हैं यानी कि एस जयशंकर और पीएम मोदी जो हैं ये आरएसएस की विचारधारा पर हैं, और उसके अलावा ओसामा बिन लादेन से सीधे यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच के अंतर को समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर भारत का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कद है, खासतौर पर जब G20 देशों की बात करते हैं, और पाकिस्तान की क्या औकात है, ये अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस बात से भी बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके आंतरिक मामलों में इस समय जो है तालिबान जबरदस्त तरीके से उस पर कहर बनकर टूट रहा है। ड्यूरेंड लाइन पर पाकिस्तान की तालिबान के साथ में झड़प और लड़ाइयां हो रही हैं। बलूचिस्तान में भी लगातार जो बलूच लड़ाके हैं उसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में अपनी आवाम को शायद शांत करने के लिए, तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान के पास एक ही मुद्दा रह जाता है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। इसे पाकिस्तान के कई सारे हुक्मरान जो हैं समय समय पर मान चुके हैं कि कश्मीर का कुछ होना नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से, कश्मीर उसको कभी मिलना नहीं है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र कर कम से कम सत्ता में तो बना ही रह जा सकता है, जिसका जिक्र कर कम से कम अपनी आवाम को यानी कि अपने लोगों को एक सांत्वना तो दी ही जा सकती है। लेकिन जिस तरह का बयान एक निजी हमला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो ने किया है, ये अपने आप में इसको कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट है। इसे ये भी कह सकते हैं कि सीमा लांघने वाली बात है, क्योंकि राजनयिक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में आप जब बात करते हैं तो आप देशों के लिहाज से बात कर सकते हैं, मुद्दों के लिहाज से बात कर सकते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन के समर्थन में, ओसामा बिन लादेन का नाम लेने की वजह से ही ये मिर्ची जो है बिलावल भुट्टो को लगी थी। एक आतंकवादी का समर्थन कर कैसे कोई इस तरह की बात कह सकता है,
ऐसा आतंकवादी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से सर्वमान्य था और अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसको मारा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एस जयशंकर जो हैं उन्होंने इसके अलावा भी एक तगड़ा हमला जो है पाकिस्तान पर किया। यहाँ पर उन्होंने हिलेरी क्लिंटन का नाम लेते हुए हिना रब्बानी का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से हिलेरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर हिना रब्बानी को कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में यानी अपने घर के पिछवाड़े में अगर सांप पालते हैं इस उम्मीद से कि वो पड़ोसियों को काटेगा। सांप से यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन का मतलब था आतंकवादी पालते हैं कि जो पड़ोसियों को काटेगा, तो सांप पड़ोसियों को काटे ना काटे लेकिन पालने वाले को भी वो छोड़ेगा नहीं। इस तरह की बात करते हुए आज ही एस जयशंकर ने इस तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले में बड़ी अपडेट यही है कि पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो ने बहुत ही निजी टिप्पणी करते हुए जो बात कही है वो अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। आपकी इस पर क्या राय है? बिलावल भुट्टो ने जो गुजरात से कनेक्ट करते हुए उसामा बिन लादेन के बचाव में पीएम मोदी पर कहा है, आपकी राय भी बहुत मायने रखती है। नीचे आकर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखें। धन्यवाद।